मेरे लिए आज खुशी की बात है कि भारत रत्न और हमारे बहुत ही सम्मानित वैज्ञानिक सीएनआर राव, उन्होंने धैर्य पर बल दिया है। बहुत ही कम शब्दों में लेकिन बहुत ही अच्छा संदेश हम सभी विद्यार्थियों को उन्होंने दिया है। आइए राव साहब का मैसेज सुने अपन। प्रोफेसर सी.एन.आर. राव फ्रॉम बैंगलोर। आई फुल्ली रियलाइज दैट एग्जामिनेशन कॉल्ड एंग्जायटी, दैट टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डू नॉट वरी, डू योर बेस्ट। दैट्स व्हाट आई टेल ऑल माय यंग फ्रेंड्स। एट द सेम टाइम रिमेंबर दैट देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज इन दिस कंट्री। डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ एंड डोंट गिव इट अप। यू विल सक्सीड। डू नॉट फॉरगेट दैट यू आर अ चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। यू हैव अ राइट टू बी हियर like the trees and the mountains. All you need is doggedness, dedication and tenacity. With these qualities, you will succeed in all examinations and all other endeavors. I wish you luck in anything you want to do. God bless. देखा, एक वैज्ञानिक का बात करने का तरीका कैसा होता है। जो बात कहने में मैं आधा घंटा लगाता हूँ, वो बात वो तीन मिनट में कह देते हैं। यही तो विज्ञान की ताकत है और यही तो वैज्ञानिक मन की ताकत है। मैं राव साहब का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने देश के बच्चों को प्रेरित किया। उन्होंने जो बात कही है, दृढ़ता की, निष्ठा की, तप की, यही बात है। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिलीजेंस। डटे रहो दोस्तों, डटे रहो। अगर आप डटे रहोगे तो डर भी डरता रहेगा। और अच्छा करने के लिए सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। अब मेरे ऐप पर एक संदेश रुचिका डाबस ने अपने एग्जाम एक्सपीरियंस को शेयर किया है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में एग्जाम के समय एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने का लगातार प्रयास होता है और ये चर्चा उनके साथी परिवारों में भी होती थी, सब मिलाकर के पॉजिटिव वातावरण। ये बात सही है, जैसा सचिन जी ने भी कहा, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव एनर्जी को उजागर करता है। कभी कभी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो हमें प्रेरणा देती है, और ये बात सोचिए कि ये सब विद्यार्थियों को ही प्रेरणा देती है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर आप क्यों ना हो, उत्तम उदाहरण, सत्य घटनाएं बहुत बड़ी प्रेरणा भी देती हैं, बहुत बड़ी ताकत भी देती हैं और संकट के समय नया रास्ता भी बना देती है। हम सब इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिशन, हमारे सिलेबस में उसके विषय में पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी ये सोचा है कितने सालों तक उन्होंने इस काम को करने के लिए खपा दिए, कितनी बार विफलताएं मिली, कितना समय गया, कितने पैसे गए, विफलता मिलने पर कितनी निराशा आई होगी। लेकिन आज उस इलेक्ट्रिसिटी वो बल्ब हम लोगों की जिंदगी को भी तो रोशन करता है। इसी को तो कहते हैं विफलता में भी सफलता की संभावनाएं निहित होती है। श्रीनिवास रामानुजन को कौन नहीं जानता है, आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में से एक नाम, इंडियन मैथमेटिशियन। आपको पता होगा उनका फॉर्मल को एजुकेशन मैथमेटिक्स में नहीं हुआ था, कोई विशेष प्रशिक्षण भी नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थियोरी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में गहन योगदान किया। अत्यंत कष्ट भरा जीवन, दुख भरा जीवन, उसके बावजूद भी वो दुनिया को बहुत कुछ देकर के गए। जेके रोलिंग एक बेहतरीन उदाहरण है कि कभी भी किसी को भी मिल सकती है। हैरी पॉटर सीरीज आज दुनिया भर में लोकप्रिय है, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। कितनी समस्याएं उनको झेलनी पड़ी थी, कितनी विफलताएं आई थी। रोलिंग ने खुद कहा था कि मुश्किलों में वो सारी ऊर्जा उस काम में लगाती थी जो वाकई उनके लिए मायने रखता था। एग्जाम आजकल सिर्फ विद्यार्थी की नहीं, पूरे परिवार की और पूरी स्कूल की, टीचर की, सबकी हो जाती है। लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स के सपोर्ट सिस्टम के बिना अकेला विद्यार्थी, स्थिति अच्छी नहीं है। टीचर हो, पेरेंट्स हो, इवन सीनियर स्टूडेंट्स हो, ये सब मिलाकर के हम एक टीम बन के, यूनिट बन के, समान सोच के साथ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े तो परीक्षा सरल हो जाती है। श्रीमान केशव वैष्णव ने मुझे ऐप पर लिखा है, उन्होंने शिकायत की है
कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों पर अधिक मार्क्स मारने के लिए कभी भी दबाव नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वो रिलैक्स रहे इसकी चिंता करनी चाहिए। विजय जिंगल लिखते हैं, बच्चों पर उनसे अपनी उम्मीदों का बोझ न डाले, जितना हो सके उनका हौसला बढ़ाए, विश्वास बनाए रखने में सहायता करें। ये बात सही है। मैं आज पेरेंट्स को अधिक कहना नहीं चाहता हूं, कृपा करके दबाव मत बनाइए। अगर वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहा है तो रोकिए मत, एक हल्का फुल्का वातावरण बनाइए, सकारात्मक वातावरण बनाइए। देखिए आपका बेटा हो या बेटी, कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको भी वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा। दोस्तों एक बात निश्चित है, खास करके मैं युवा मित्रों से कहना चाहता हूं, हम लोगों का जीवन हमारी पुरानी पीढ़ियों से बहुत बदल चुका है। हर पल नया इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी, विज्ञान के नित्य नए रंग रूप देखने को मिल रहे हैं, और हम सिर्फ अभिभूत हो रहे हैं ऐसा नहीं, हम उससे जुड़ने का पसंद करते हैं, हम भी विज्ञान की रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि आज नेशनल साइंस डे है। नेशनल साइंस डे, देश का विज्ञान महोत्सव, हर वर्ष 28 फरवरी हम इस रूप में मनाते हैं। 28 फरवरी 1928 सर सीवी रमन ने अपनी खोज रमन इफेक्ट की घोषणा की थी, यही तो खोज थी जिसने उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, और इसलिए देश 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाता है। जिज्ञासा विज्ञान की जननी है, हर मन में वैज्ञानिक सोच हो, विज्ञान के प्रति आकर्षण हो, और हर पीढ़ी को इनोवेशन पर बल देना होता है, और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बिना इनोवेशन संभव नहीं होते। आज नेशनल साइंस डे पर मैं देश में इनोवेशन पर बल मिले, ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी, ये सारी बातें हमारे विकास यात्रा के सहज हिस्से बनने चाहिए, और इस बार नेशनल साइंस डे का थीम है मेक इन इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशंस। सर सीवी रमन को मैं नमन, और आप सबको विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए आग्रह कर रहा हूं। दोस्तों कभी कभी सफलताएं बहुत देर से मिलती है, और सफलता जब मिलती है तब दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। आप एग्जाम में शायद बहुत बिजी रहे होंगे, तो शायद हो सकता है बहुत सी खबरें आपके मन में रजिस्टर न हुई हो, लेकिन मैं देशवासियों को भी इस बात को दोहराना चाहता हूं। आपने पिछले दिनों में सुना होगा कि विज्ञान के विश्व में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खोज हुई है। विश्व के वैज्ञानिकों ने परिश्रम किया, पीढ़ियां आती गई, कुछ न कुछ करती गई, और करीब करीब 100 साल के बाद एक सफलता हाथ लगी। ग्रेविटेशनल वेव हमारे वैज्ञानिकों के पुरुषार्थ से उसे उजागर किया गया, डिटेक्ट किया गया। यह विज्ञान की बहुत दूरगामी सफलता है। यह खोज न केवल पिछली सदी के हमारे महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन की थियोरी को प्रमाणित करती है, बल्कि फिजिक्स के लिए महान डिस्कवरी मानी जाती है। ये पूरी मानव जात को, पूरे विश्व के काम आने वाली बात है, लेकिन एक भारतीय के नाते हम सबको एक बात की खुशी है, इस सारी खोज की प्रक्रिया में हमारे देश के सपूत, हमारे देश के होनहार वैज्ञानिक भी उससे जुड़े हुए थे, उनका भी योगदान है। मैं उन सभी वैज्ञानिकों को आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। भविष्य में भी इस खोज को आगे बढ़ाने में हमारे वैज्ञानिक प्रयासरत रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भारत भी हिस्सेदार बनेगा। और मेरे देशवासियों, पिछले दिनों हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है, इसी खोज में और अधिक सफलता पाने के लिए लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में उसको कहते हैं LIGO, लीगो, भारत में खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है। दुनिया में दो स्थान पर इस प्रकार की व्यवस्था है, भारत तीसरा है। भारत के जुड़ने से
इस प्रक्रिया को और नई ताकत मिलेगी और नई गति मिलेगी। भारत जरूर अपने मर्यादित संसाधनों के बीच भी मानव कल्याण की इस महत्तम वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनेगा। मैं फिर एक बार सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक नंबर लिखवाता हूं आपको, कल से आप मिस कॉल करके इस नंबर से मेरी मन की बात सुन सकते हैं, आपकी अपनी मातृभाषा में भी सुन सकते हैं। मिस कॉल करने के लिए नंबर है 8190881908। मैं दोबारा कहता हूं 8190881908। दोस्तों, आपकी एग्जाम शुरू हो रही है, मुझे भी कल एग्जाम देनी है। 125 करोड़ देशवासी मेरी एग्जामिनेशन लेने वाले हैं, पता है ना? अरे भाई, कल बजट है, 29 फरवरी ये लीप ईयर होता है। लेकिन हाँ, आपने देखा होगा, मुझे सुनते ही लगा होगा मैं कितना स्वस्थ हूं, कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। बस कल मेरी एग्जाम हो जाए, परसों आपकी शुरू हो जाए, और हम सब सफल हो तो देश भी सफल होगा। तो दोस्तों, आपको भी बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। सफलता विफलता के तनाव से मुक्त होकर के मुक्त मन से आगे बढ़िए, डटे रहिए। धन्यवाद।